यूपी के ग्रेटर नोएडा के इंडिया मार्ट एंड एक्सपो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप के 14वें अधिवेशन के संबोधन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगले 10 साल में देश के 50 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु परिवर्तन की दिशा में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बीते साल दर साल भारत ने इस दिशा में एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं। इसी साल 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से जल संकट के खिलाफ मुहिम चलाने की अपील की थी। पीएम मोदी ने लोगों से आह्वान किया था कि वे पानी का जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी को रोकें। किसानों से फसलों में रासायनिक खाद्य का इस्तेमाल करने के बजाय उन्होंने जैविक खाद्य का इस्तेमाल करने का आह्वान किया था। जैविक पवन पूरे देश में फैलने वाला। भारत आज तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में जैविक खेती को तेजी से बढ़ावा मिल रहा है। पीएम मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू करने वाले हैं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? इस तरह पेरिस समझौते में पीएम मोदी द्वारा भारत के किए हर कमिटमेंट को तेजी से अमली जामा पहनाया जा रहा है और इसी कड़ी में मोदी सरकार ने 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर से लेकर 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।